हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में, और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, चंडीगढ़ एंटिटी जेबीटी और टीजीटी और पीजीटी और स्पेशल एजुकेटर, जिसको लेके हायरिंग चल रही थी, और लगभग एक साल होने वाले हैं भाई, और एक साल धीरे धीरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो धीरे धीरे प्रोसेस है, गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं जो, वो उसमें टाइम लगता है, ये आपको भी पता है। कोई भी चीज़ें हैं जहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट में आपका 2 दिन लगता है, वहाँ पे सरकारी काम में हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट है। बाकी एक चीज़ आपको बताऊँ तो एक गुड न्यूज़ है भाई आप सभी के लिए। आप सभी ने देख भी लिया होगा लिस्ट, लेकिन हाँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी और आपसे शेयर करूँ चीज़ों को। तो एंटिटी वालों की जो नॉन एलिजिबल, मतलब जो इन एलिजिबल हैं, उनके कैंडिडेट्स को जो लिस्ट है वो आउट हो गई है। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जो भाई डीवी के दौरान या कम्प्लीटली कई बार वेरिफिकेशन के दौरान उनको इन एलिजिबल पाया गया, और चंडीगढ़ डिपार्टमेंट कई बार बुला बुला के, घर से बुला के, कभी कहीं से पकड़ के बुला बुला के इनका डीवी कराया, लेकिन फिर भी ये इन एलिजिबल पाए गए। तो भैया इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लिस्ट निकाल दी, जो कि एक प्रोसेस होता है और ये हर बार निकालते हैं एलिजिबल और इन एलिजिबल की जो लिस्ट थी। तो ये पहले क्या होता था कि दोनों की एक साथ निकालते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को एक साइड कर दिया जो इन एलिजिबल थे। तो एंटिटी की लिस्ट जो थी इन एलिजिबल की, वो आज सुबह, आज मॉर्निंग में ही जारी कर दी गई, और आप लोग देख सकते हो भाई कि जो इन एलिजिबल है, वैसे देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको हो रहा है कि आपके इन एलिजिबिलिटी का रीजन क्या है, तो आप जाके पीडीएफ में अपना रोल नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम और आपने कितना मार्क्स गेन किया है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपके रिमार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड मेरिट चेकिंग कमिटीज ने क्या आपका वो जो रिमार्क्स दिया है, और फाइनल स्टेटस क्या है, ये फाइनल स्टेटस क्या है आप उसको देख सकते हो। तो आप जाके, लिस्ट है भाई लगभग 12-13 पेज की जो पीडीएफ है, उसमें जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हो, और वहां पे देखिए आपके रिमार्क्स क्या है, और फाइनल स्टेटस सब में नॉट एलिजिबल ही दिखाएगा। ठीक है, सब में क्या दिखाएगा, नॉट एलिजिबल ही दिखाएगा। अब ये तो हो गई लिस्ट की बात, चलो ठीक है, इन एलिजिबिलिटी लिस्ट आ गई। अब धीरे धीरे मेरी पूरी उम्मीद भी थी, यही थी उम्मीद थी भाई कि हो सकता है आपका इस मंथ में एलिजिबल और नॉन एलिजिबल वाली जो लिस्ट होती है वो जारी कर दी जाए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला भी था, आप जाके वीडियो को देख भी सकते हो, कि हाँ इस मंथ में पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक्यूरेट कहना ये तो उसमें मैं भी गलत हो जाऊंगा, और एक्यूरेटली 100% राइट वे में कोई नहीं बोल सकता कि लिस्ट इस दिन आएगी, इस दिन आएगी। तो अगर कोई एक्यूरेट डेट बोले तो भाई वो डिपार्टमेंट ही जानता है, उसको भी कभी कभी नहीं पता होता कि कब लिस्ट जारी कर दी है, तो इसलिए ऐसा कहना गलत है। तो हाँ, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक कि हाँ अब तक आ सकता है, और हर चीज़ें जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो लिस्ट कब जारी की गई, कैसे जारी की गई और रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं, उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उसी के अनुसार होता है, और रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार सारी चीज़ें हो भी रही हैं भाई। और अब आपका हो सकता है जेबीटी या पीजीटी के जो लिस्ट है इन एलिजिबल वाली, वो जारी कर दी जाए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोर्ट केस वाला ठीक है मामला जो है वो ठीक है, वो चलता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर्ट केस का जो मामले हैं वो आपके चलते रहेंगे, वो हो सकता है 1-2 साल चले, ठीक है, उसको चलने दीजिए, उससे आप कुछ भी, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप ऑर्डर सीट देख सकते हैं कि क्या जजमेंट आया है, क्या सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। तो एंटिटी की देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई बार डीवी हुई, कई बार क्या हुई, डीवी हुई, और उसके बाद इनकी लिस्ट इन एलिजिबल वाली जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इन एलिजिबल वाली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं जेबीटी का भी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट है लगभग। हाँ, कोर्ट केसेस पे केसेस इन पे भी हुए थे, इन पे भी हुए थे, तो इनकी भी डीवी हो चुकी है, और इनकी भी अब क्या आनी है, इन एलिजिबल की लिस्ट आनी है, क्या इन एलिजिबल वाली लिस्ट आनी है। और वहीं बात करें भाई पीजीटी वालों की, पीजीटी वालों की भी डीवी हो चुकी है कंप्लीट, और इनकी भी इन एलिजिबल लिस्ट आनी है, क्या इन एलिजिबल लिस्ट आनी है। और वहीं बात करें टीजीटी की भाई, टीजीटी में थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा है कि एक लिस्ट हो सकता है ये जारी करे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और बाकी देखते हैं क्या होता है, इसलिए मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लिस्ट जरूर आएगी आपकी, इन एलिजिबल वाली लिस्ट आएगी। अब हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आए या कब आए ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आएगी। तो टीजीटी की भी आनी है भाई, अभी ये थोड़ा सा डीवी वाला बचा है मामला, क्या बचा है मामला ये बाद में क्लियर होंगी, और इनकी भी इन एलिजिबल लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अभी स्पेशल एजुकेटर की बात करें
स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो पहली डीवी हो चुकी है भाई टीजीटी और जीबीटी की, और इसमें बहुत कम बच्चे रहते हैं। एक चीज मैं आप बताऊं, इन्होंने इसीलिए स्पेशल एजुकेटर वालों को बहुत रिलैक्स है। देखिए मेन मुद्दा मैं आपको बताता हूं, जो मुझे लगता है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जनरली ऐसा भी होता भी है, ठीक है, मैंने कई सारे वैकेंसीज में देखा है कि जिसमें बहुत कम बच्चे, स्पेशल एजुकेटर वाले बच्चे बहुत कम रहते हैं, कितने बहुत कम रहते हैं, और इनको भी पता होता कि इनका प्रोसेस हम 10 से 12 दिन 15 दिन में अगर मतलब चाहें, अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनका डीवी जो है और सबके कंपैरिजन में बहुत कम समय लगेगा, और इनमें बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ठीक है, मतलब कम बच्चे रहते हैं तो भाई कम मेहनत करनी पड़ती है, मेरा एक लाइन में कहने का मतलब यही है। तो स्पेशल एजुकेटर वालों का भाई डीवी हो गया, और अगर खुद किस्मत से एक डीवी हो गई है, दूसरी डीवी में ये बुलाएंगे, और अगर ये 2-4 दिन के अंदर लिस्ट जारी कर देते हैं स्पेशल एजुकेटर की, जो रिमार्क लिस्ट होती है भाई, ऐसा नहीं है कि डीवी के लिए बुलाया अब अगले में आएगा, इनका रिमार्क लिस्ट आएगा, फिर बच्चे जाएंगे अपना प्रूफ करेंगे, फिर अगर सीट बची तो फिर बुलाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, तो अगर इधर 2-4 दिन आने वाले दिन में अगर ये लिस्ट जारी कर देते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है भाई, पूरी सबकी, जेबीटी की, पीजीटी की, और आपकी टीजीटी की भी, जो इन एलिजिबल वाली लिस्ट है पूरा दिसंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक, ये एक्सपेक्टेशंस है, और ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया कि भाई ये सभी का मैंने बात कर ली कि भाई डीवी और एलिजिबल इन एलिजिबल वाली लिस्ट। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये समय है और ये बीतता भी है, बहुत कायदे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कायदे की बात बता रहा हूँ कि देखिए समय है, बीतता है, और हर चीज की अंतिम घड़ी है वो जरूर आती है, चाहे आपकी जन्म, आप जन्म लेते हैं समय बीतता है, मृत्यु जरूर आती है, हो सकता है 20 साल, 10 साल, 1 साल, 25 साल, 50 साल, 80 साल, तो अगर जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, उसी हिसाब से भाई कुछ भी हो, अगर आप सारी चीजों को कुछ भी ले लीजिए अपनी लाइफ में, तो अगर वो अगर चीज हो रही है तो उसका अंत समय जरूर आएगा। अब धीरे धीरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बर्थ लिया मतलब उसने जन्म लिया, और उसके बीच में डीवी, ये आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, अब इसका एक शब्द में कहूं तो आपकी जिंदगी की शुरुआत जो नौकरी वाली है वो होने वाली है, ठीक है, बस इतना ही कहूंगा, बाकी अंत समय है, और हर चीजों का निश्चित है, हर चीजें निश्चित है भाई, उसका अंत समय आने हैं, तो आपका इसका फाइनलाइजेशन, अब इसका अंत समय मैं कहूं, अगर आपका जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी या इसका आपकी डीवी वगैरह लगभग कंप्लीट होने वाली है तो अंत समय में है। अंत समय का मतलब यही है कि आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह जो भी है वो जल्द से जल्द आप देखने को आपको मिलेगा, हो सकता है 10 दिन 15 दिन में सारी चीजें लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाए। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि रोजगार मेला चंडीगढ़ में जरूर ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट्स भाई एकदम पागल हो जाते हैं। मैं एक चीज बता दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल इस समय प्रयागराज है, अगर आप कभी प्रयागराज आइएगा, महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं तो आप देखेंगे सारी चीजें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसीएस वगैरह एग्जाम को लेकर, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी पता हो गया कि भाई अगर इलेक्शन के समय सब समझदार हो गए कि अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन अगर हम कोई चीजें करते हैं तो वो सरकार को माननी पड़ती है, तो इसीलिए इलेक्शन भी नजदीक है, मतलब जो भी चीजें उपचुनाव कहीं कहीं के हैं वहां पर नजदीक है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो एजेंडा सारी चीज़ों को बना लिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है। बाकी ये सब सारी चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन बस इतना ही है, आप करते रहिए, और हो सकता है आपको जल्द से जल्द बधाई हो एंटिटी वालों के भाई कि एटलीस्ट एक माइंड सेट क्लियर हो गया। अब बचा क्या है, ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर में बहुत सारा एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बस क्या उसमें लिखना होता है, अपडेट करना होता है आपका नाम, आपके पिता का नाम, कितनी सैलरी वगैरह सब वो पहले से ही रहता है, कितने ग्रेड पे रहेंगे आप, रूल रेगुलेशन सबके लिए वही रहेंगे, और बस क्या होता है उसमें नाम और कौन सा स्कूल आपको अलॉट हो रहा है, आपके फादर्स नेम और एड्रेस अपडेट कर दिया जाता है बस, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और लगभग वो प्रोसेस कंप्लीट ही है, अगर एक बात मैं कहूँ, क्योंकि अगर प्रमोशन, ये इन्होंने प्रमोशन लिस्ट इतनी जल्दी कंप्लीट कर ली है कहीं ना कहीं, तभी इन्होंने क्या लिस्ट दी है एलिजिबल और इन एलिजिबल की, तो कहीं ना कहीं फास्ट मोड में है। तो बहुत सारी बातें नहीं करने का मेरा मतलब था, एक लंबा अरसा हो गया था बात की आप लोगों से, तो इसी वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत भी हो जाती है और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जल्दी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेड है कि आपकी जेबीटी की, पीजीटी की, फिर हो सकता है टीजीटी की भी आ जाए और स्पेशल एजुकेटर की भी आ जाए, और धीरे धीरे ज्वाइनिंग प्रोसेस भी ये कंप्लीट कर दे, स्टार्ट कर दे, कंप्लीट मतलब है स्टार्ट कर दे ज्वाइनिंग प्रोसेस। और जो आपको रोजगार मेला जो चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें तो नहीं दे पाए ये लोग, लेकिन देखते हैं, हो सकता है अब वहाँ पे इलेक्शन एजेंडा बहुत मैटर करता है, एक चीज मैं बताऊं आपको, ठीक है, उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन
कभी कभी होता है ना कि सरकार जो चीजें हम मतलब उम्मीद ही नहीं रहती वही चीज सरकार कर ले जाती है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से इतना फोर्स इतना प्रेशर ऊपर से आता है कि डिपार्टमेंट काम कर जाता है भाई। तो बाकी देखते हैं क्या होता है 3 दिसंबर को। बाकी ऑल द बेस्ट और बधाई हो आप सभी को कि जल्द से जल्द आपको नौकरी मिले और ये महीना जो नया न्यू ईयर न्यू सेशन न्यू ईयर आने वाला है आपके आपके लिए वो एक अच्छा हो, एक नौकरी के साथ हो, और अपना जो नए ईयर के हर फेस्टिवल्स हर चीजें हैं वो आप अपने घर वालों के साथ भाई अब सरकारी पैसे से सेलिब्रेट करिएगा। कुछ भी हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, अब सरकारी पैसे से आपको होली मनानी है, दिवाली मनानी है या जो भी फेस्टिवल्स है, तो इसीलिए कहूंगा। बाकी हाँ, अब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में मेंशन करिएगा। आपका भाई जरूर कमेंट देखता है, एक एक कमेंट देखता हूँ मैं। हाँ, जो लगता है कि रिप्लाई देना चाहिए और जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं आपके रिप्लाई भी देता हूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत।